आज हम करेंगे वैद्युत क्षेत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न लेते हैं, एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो इसका हल इस तरह से होगा, सबसे पहले दिया है हमें विद्युत क्षेत्र E बराबर 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और अल्फा कण पर आवेश 2 हीलियम के बराबर होता है या 2 पॉजिटिव के बराबर होता है। तो यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा 2×1 इलेक्ट्रॉन या 2×1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 16×32, 3.2×10⁻¹⁹ कूलाम। अब चूंकि हम जानते हैं जो F होता है वो Q विद्युत क्षेत्र E के बराबर होता है, तो ये हो गया 3.2×10⁻¹⁹ E का मान रख देंगे 15×10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो ये सॉल्व करके आ गया 48.0×10⁻¹⁹ न्यूटन, या इसको हम लिख सकते हैं 4.8×10⁻¹⁴ न्यूटन। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाला बल की दिशा और परिमाण ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और विद्युत क्षेत्र का मान आपको यहाँ पर जो दे रखा है वो है कितना, E बराबर 1000 न्यूटन पर कूलाम, ये विद्युत क्षेत्र का मान है, और N बराबर 10⁶ इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेस दिखाए गए हैं वस्तु पर। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, या नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, उस पर आवेश का जो मान होता है वो आपका कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ है ना। और हम ये भी जानते हैं कि जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो अधिकतम जब होंगे जब हम उनकी संख्या को यहाँ पर ये देखेंगे कि संख्या अधिकतम होने पर क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे कि हम कहें कि एक नेगेटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ जो इम्पैक्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो दिखाएगा वो
बाहर की ओर दिखाएगा और उसका मान हमें दे रखा है 1000 न्यूटन पर कूलम। तो हम कह सकते हैं कि F बराबर Q इंटू E होता है। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q को हम एन ई लिख देंगे और एन ई गुणा ई, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र। तो n हमें यहाँ पर दे रखा है 10^6, e हमें पता है 1.6 इंटू 10^-19 और जो e है वो हमें दे रखा है 1000। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो सीधा सीधा हो जाएगा 1.6 और 10 की पावर अगर हम यहाँ पर सॉल्व कर लें तो ये हो गया 10^-10 न्यूटन और ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा, टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई कि इसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, तो फोर्स अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एक और प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पे। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 5×10^-4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है या कार्य कर रहा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें हल कर लेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास आवेश है वो दे रखा है 5×10^-4 कूलम और हमें फोर्स का मान दे रखा है 2.25 न्यूटन। तो यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे, F is equal to Q into E। तो यहाँ पर ये हो जाएगा E बराबर F बटे Q। इन मानों को हम यहाँ पे रख देंगे तो F का मान रख देंगे 2.25 और Q का मान रख देंगे 5×10^-4। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये आएगा 0.45×10^4 या 4.5×10^3 न्यूटन पर कूलम। एक और प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। ये प्रश्न हमें कहता है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि प्रोटॉन हो तो, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थान पर प्रोटॉन हो तो, तब वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो आइए इसे समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पर ये जो कह रहे हैं उसको समझने का सिंपल एक तरीका है, इसे हम एक छोटे से डायग्राम से भी समझ लेंगे। कि हमारे पास मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को लिया पहली स्थिति में, तो इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिवली चार्ज होता है तो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला भार है वो डाउनवर्ड होगा। तो जो E होगा वो फील्ड के या फोर्स के अपोजिट होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि F बराबर mg के होता है, ये हमें पता है। तो इसी तरह से Fe बराबर हमारा क्या हो जाएगा, me
यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और उस पर लगने वाली ग्रेविटी एमजी, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। इसी तरह से Fe बराबर हमारा होता है QE इंटू E, QE मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों को अगर हम मिला लें तो ये हो जाएगा MEG बराबर QE इंटू E। तो इनके मान अगर हम यूज़ कर लें तो यहाँ से हमारे पास जो EE होगा वो MEG अपॉन हो जाएगा QE। इनके वैल्यू रख दीजिए तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो रखते ही क्या हो जाएगा, M का वैल्यू 9.1 इंटू 10^-31 इंटू G का मान 9.8 होता है डिवाइडेड बाय QE। तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र के कारण जो आवेश वहाँ पर है तो आवेश का मान हमेशा 1.6 इंटू 10^-19। तो अगर हम इसे सॉल्व कर देंगे तो ये सॉल्व करके 16 से 9.1 को अगर डिवाइड करेंगे, बाकी पावर भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 5.513 इंटू 10^-11 न्यूटन पर कूलम। और ये बल जो है विद्युत क्षेत्र के अपोजिट होगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर होगा। इसी तरह से अगर प्रोटॉन का केस लें, अगर वहाँ पर प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन के केस में भार हमेशा नीचे की ओर होगा और जो यहाँ पर फोर्स होगा वो भार के अपोजिट होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में यहाँ पर चला जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन हो जाएगा MPG डिवाइडेड बाई हमारा QP इंटू E, और E हमारा एक साइड में है। इन वैल्यूज़ को रख लो, 1.7 इंटू 10^-27 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई ये हो गया 1.6 इंटू 10^-19। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये आएगा 1.04 इंटू 10^-7 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर हमारा ये जो फील्ड होगा ये ऊपर की ओर होगा। तो ये दोनों जो है यहाँ पर एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। इस प्रश्न के अनुसार हमारे पास जो गिवन है वो ये दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है हमें हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात कीजिए या इसकी गणना कीजिए। तो इसका हल यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दूरी दी हुई है, तो हमें r गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हम कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 10^-10 मीटर के। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पर पहले तो हीलियम को ले लें। हीलियम में जो मौजूद आवेश होते हैं वो 2 धन चार्ज के बराबर होते हैं। तो 2 पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पर कंसीडर कर लें तो ये हमारे पास जो होगा हीलियम में जो कुल आवेश होगा, नेट आवेश होगा, उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो वो Q बराबर NE से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो NE की जगह 2 × 1.6 इंटू 10^-19, तो ये हो गया 3.2 इंटू 10^-19 कूलाम। अब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/4π ε0 और ये हो जाएगा Q / r²
तो जो वैल्यू हमें नोन है, गिवन है, उनका मान रख लें, तो 9 × 10⁻⁹ होता है 1/4 ε0, और ये हो गया 3.2 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय r³, यानी 10⁻¹⁰ की पावर हमारा 2 हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो गया 28.8 × 10⁻¹⁹ − 19 + 20, तो ये हो गया 28.8 × 10⁻¹⁩, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2.88 × 10⁻¹⁰ न्यूटन पर कूलम। इस तरह से एक प्रश्न और कर लेते हैं, आखिरी प्रश्न। इसके अनुसार एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर मीटर है। विद्युत आवेश का मान विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल होगा, क्योंकि हमें Q 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र हमें देखना है, तो विद्युत क्षेत्र का मान पता है हमें 450 न्यूटन पर कूलम, और R भी हमें पता है 1 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर भी हम इसको ठीक कर सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा, जैसे चित्र में आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 450 न्यूटन पर कूलम है और वो आउटवर्ड है मुख्य आवेश के। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम कर सकते हैं E = 1/4 πε₀ q/r² कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हम इसका मान रख लेंगे 9 × 10⁹, और हमारे पास जो Q है वो अननोन है, तो ये हमारा हो जाएगा 450 बराबर 9 × 10⁹ × q/1। तो ये हमारे पास सीधा सीधा हो गया कितना, Q बराबर 50 × 10⁻¹⁹ और 5 × 10⁻¹⁹ कूलम।